पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के वचन हैं कि शिक्षित होना ही काफी नहीं, भले आपके पास उच्च डिग्रियां भी क्यों ना हों, जब तक कि आप में मानवता की सेवा, सिमरन व परमार्थ व दूसरों के दुख दर्द को समझकर दूर करने जैसे इंसानियत के गुण नहीं हैं। पूज्य हजूर पिताजी ने वर्तमान पीढ़ियों को सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, निंदा चुगली, समलैंगिकता, चरित्रहीनता, वैश्यवृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकर्मों से बचाने के लिए जहां सत्संगों के माध्यम से शिक्षित किया, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। ये शिक्षण संस्थान लड़के एवं लड़कियों दोनों को नर्सरी कक्षा से लेकर मास्टर डिग्री तक न केवल मानसिक तौर पर शिक्षित करते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी खेलों, ध्यान, योगा द्वारा स्वस्थ रखते हैं। शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों में बच्चों को अपनों से बड़ों की सेवा व सम्मान करने के साथ साथ पूरी मानवता व देश सेवा की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। पश्चिम के दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। तो चलिए आपको शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों से परिचित करवाते हुए चलते हैं सिरसा में शाह सतनाम जी धाम के नजदीक गांव शाह सतनामपुरा में स्थित शाह सतनाम जी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। नमस्कार, मैं हूं अनिल ककड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर शीला पूनिया जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस स्कूल के बारे में, कब इसकी फाउंडेशन हुई, क्यों हुई और आज तक की क्या कहानी स्कूल की रही है और क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सच कहूं मैं। थैंक यू सर। जी जी जी, सबसे पहले ये बताइए कि फाउंडेशन कब हुई और क्यों हुई। सर, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल का प्रिंसिपल बनने का। जी, और बचपन से ही नाम ले रखा है शाह सतनाम जी महाराज जी से। जी, जब भी हम सत्संग पर आते या स्कूल खुलने से पहले हमने कई बार देखा कि हमारे गुरुजी के पास कई पंचायतें आती, नज़दीक के जो भी गांव थे वो लोग मिलते, क्योंकि पहले क्या देखा गया, अगर आज से 25 साल पहले की बात की जाए तो लड़कियों की जो शिक्षा को लेके पेरेंट्स इतना जागरूक नहीं थे, पर जब से ये स्कूल खुले और पिताजी ने शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की नींव 1994 में रखी जी, तो लड़कियों के प्रति गुरुजी का बहुत रुझान था कि लड़कियाँ बहुत आगे निकलें हर क्षेत्र में, और उन पंचायत वालों की बात भी पूरी हुई, गुरुजी ने स्कूल की स्थापना कर दी और बच्चे जो इसमें महज थे वो सिर्फ 350 थे, मुझे आज तक याद है, जी जी, 94 में। और धीरे 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 हर साल ही मतलब बच्चे बढ़ते चले गए और आज इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो 1580 के करीब है, जिसमें जो लड़कियाँ हैं। और जब ये खुला है स्कूल तो इसमें लड़कियों की शिक्षा को लेके गुरुजी काफ़ी जागरूक थे जी, और वो चाहते थे कि लड़कियां देश का नाम रोशन करें, जो कि आज हुआ भी है जी। और इसमें गुरुजी का एक बहुत अहम रोल रहा है इस स्कूल को खड़ा करने में, क्योंकि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इसमें गेम्स का भी पूरा ख्याल रखा गया, पूरा रुझान था बच्चों का, गुरुजी भी चाहते थे लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलें। तो इसमें जब इसकी शुरुआत हुई तो 350 जो लड़कियाँ थी तो गुरुजी हमें काफ़ी गाइड करते थे, काफ़ी बताते थे शिक्षा को लेकर भी और पढ़ाई को लेकर भी। धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा और सबने बड़ी ही शिद्दत के साथ यहाँ पर सेवा की और इस स्कूल को आगे बढ़ाया, तो आज ये स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं है जी। मैडम, जो सबसे बड़ी बात अगर किसी शिक्षण संस्थान को आती है तो वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ पे क्या उनकी उपलब्धियाँ रही, उन पर बातचीत की जाती है,
अब चूंकि स्कूल को खुले हुए आज जी 27 साल हो गए हैं, इन 27 सालों का जो ये कारवां रहा, अब तक जो पहुंचा है, सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं अब तक की? अगर स्कूल की सुविधाओं की बात की जाए तो इसमें हर तरह की लैब है, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, इंग्लिश लैब, हर तरह की। और ये हरियाणा का पहला स्कूल था जिसमें हमने डिजिटल लैब शुरू की थी जी, जिसमें एजुकेशनल वर्ल्ड जो कंपनी है उसने ज्वाइन किया था हमें, और उसका जो सॉफ्टवेयर था वो इतना ज़बरदस्त था कि बच्चों को लेसन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, जो उस वीडियो को देख लेता था दैट वाज कंप्लीट। उसके बाद टीच नेक्स्ट आया है जी, और हर क्लास में हमने ये फैसिलिटी बच्चों को दी है। और इसके बाद जो चीज़ समय के अनुसार हमें ज़रूरत लगती रही जी, जी। हम वो चीज़ें बच्चों को देते रहे, और एज अ एजुकेशनिस्ट काम किया है हमने, मतलब एज अ प्रोफेशनल नहीं, इस चीज़ को किसी भी टीचर ने लिया, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत लगती है हम बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो रोबोटिक लैब है, चाहे वो मैथ्स लैब है। इस स्कूल में हर तरह की लैब है जहाँ पे बच्चों को ये एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं दी जाती, प्रैक्टिकल बेस्ड भी दी जाती है जी। मैं जी अभी हाल ही में मैंने चंडीगढ़ में जो हरियाणा की सरकार है उसके द्वारा कुछ हरियाणा के बच्चों को भीम अवार्ड दिए गए, तो वहाँ मुझे पता चला, जब मैं कवर करने गया तो वहाँ पता चला कि इस स्कूल के भी बच्चे वहाँ थे जिन्हें अवार्ड मिला। इसमें खेलों के क्षेत्र का बहुत लंबा इतिहास है जी, तो इसको अगर आपने छेड़ी लिया तो पूरा करते हैं आज कि हमने आपको बताया कि 1994 में 350 बच्चे थे, तो गुरुजी की बहुत दिलचस्पी थी कि लड़कियां हर गेम में आगे निकले। हमारे स्कूल में कम से कम उस टाइम 24 गेम्स थी जिसमें सब कुछ था। और तरीका क्या था कि हमें कच्चे कोर्ट दिए जाते थे, कि मान लीजिए बच्चों ने बैडमिंटन शुरू किया है तो एक नेट लगा दिया गया है, अगर वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट क्लियर करते थे तो उसको फिर सीमेंटेड गुरुजी बनवा के देते थे। और मुझे आज तक याद है जो बच्चे हमारे भीमवाड़ी हैं, जैसे यशदीप है, तो हमारी खुद की ड्यूटी लगी होती थी, थर्ड क्लास में एक सड़क होती थी हमारे हॉस्टल के बाहर, तो इन बच्चों को हम वहीं पर प्रैक्टिस कराते थे जी। तो और ये बहुत आज तो तरक्की कर गए सब बच्चे। इस स्कूल का जो रिकॉर्ड है, इतनी गेम्स हैं, इसमें सबसे बड़ा जो हम अपना क्रेडिट है वो अपने गुरुजी को ही देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ही होते थे, जिस भी कोर्ट में वो जाते थे, जिस भी ग्राउंड में जाते थे, बच्चों को टेक्निक्स जो वो बताते थे, मैं कहना नहीं चाहूँगी पर कह रही हूँ कि जो हिंदुस्तान का कोच है वो 3 साल बाद बता पाता था जो टेक्निक्स पिताजी प्लेयर्स को दे देते थे। और वो बच्चे इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस करते थे, इतनी जुनून से प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें पिताजी वचन करके गए हैं और हमने इस टारगेट को पूरा करना ही करना है। और हमारे पास कई ऐसे बच्चे जो नर्सरी से हैं, जैसे गुरप्रीत है, जैवलिन प्लेयर है, और यशदीप है, वो भी अपना नर्सरी से है, रितु नागपाल है स्केटिंग में। आज कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास 800 तो नेशनल प्लेयर हैं जी, 84 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी, और 7 भीमावाड़ी हैं जी, जी। तो जी। बड़ा फक्र होता है जब भी हम किसी को बताते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा रिकॉर्ड है। और जितने भी बच्चे भीमावाड़ी हैं, आज इनकी शादियां हो चुकी हैं और अपने कोर्ट को इन्होंने आज तक संभाल रखा है, जिस जुनून से इन्होंने गेम्स को देख किया है, यहाँ पे प्रैक्टिस की है, उसी जुनून से ये नेक्स्ट टीम्स को तैयार करते हैं जी। और बच्चे लगातार दिन पर दिन इस तरफ, देखो एक दो चीज़ों को स्कूल में चलाना बड़ा मुश्किल होता है, गेम्स एंड स्टडीज, पर हम इन बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो कैंप है वो सुबह 4 बजे लगता है जी, और फिर शाम 3 घंटे प्रैक्टिस की इन्होंने, तो होता है बच्चे को रेस्ट भी चाहिए जी, जी। तो प्लेयर्स की क्लासेस हम 11 बजे लगाते हैं जी, जी। और बाकी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह उसी टाइम पे आते हैं, शाम को भी इनकी लगती है, और रेगुलर बच्चों की भी जो हमारे पास हॉस्टल में है उनकी 25 सालों से आज तक सुबह 4 बजे क्लास लगती है, 4 से 4 to 6 और इवनिंग क्लासेस भी होती हैं 5 to 7। और रिजल्ट्स में तो मतलब प्रैक्टिस करते करते आज ये हालत आ गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है 4 साल से हमारे स्कूल के बच्चे हैं, और कोई भी बच्चा स्कूल का फेल नहीं होता, कोई कंपार्टमेंट नहीं आती। और कई बार सोच लेते हैं लोग शायद 85 बच्चे होंगे, हर साल के बैच में 200 से ज़्यादा बच्चा एग्जाम देता है, चाहे वो बच्चे 10th के हैं, चाहे वो प्लस 2 के हैं जी। जी जी जी। अब मैडम अभी आपने खेलों की बात जैसे की, तो जो मेरा जो हैरानी का जो पल था वो यहाँ इस वजह से भी आया कि जो रवायती खेल हैं हमारे देश के उनमें बच्चे मेडल लाते हैं, वो पहले भी इतिहास रहा है, लेकिन मैंने जो देखा कि जो भीम अवार्डी हैं वो रोलर स्केटिंग जैसी जो एक ऐसी खेल है वो बहुत कम बहुत कम लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में जी। उस खेल को कैसे आप लोगों ने यहाँ इस एरिया में, इस जो रेत के टीले हैं इस एरिया में, आपने उसको इतनी बड़ी स्पोर्ट बना दिया कि वो आज वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल पे मेडल आ रहे हैं? सर, इससे मैं आपको फिर कहना चाहूँगी कि जो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है वो हमारी गुरुजी का रहा है, क्योंकि अगर आज हम गवर्नमेंट से भी कोई स्टेडियम मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो उसको पास होने में या उसके बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, पर जो हमें स्टेडियम्स मिले
या आपने हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी देखा है, ये भी बहुत जल्दी बना है, और ये जो बच्चों को स्टेडियम अवेलेबल कराए जाते थे तो ये मतलब गुरुजी की रहमत से 3-4 महीने में ये बन जाते थे, और जो खर्चा था वो भी हमारा सारा स्कूल अपनी मैनेजमेंट करती थी, बाहर से हमें कोई भी ऐसी एवज या एड नहीं मिलती थी। और इसमें जो बच्चे थे जो स्केटिंग हुई है 15, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन बच्चों की स्केटिंग में इनका कोई कोच नहीं था, कोच नहीं था, बिना कोच के, बिना कोच के जो सिखाया है हमारे गुरुजी ने सिखाया बताया इन बच्चों को, और इन्होंने भी बड़ी शिद्दत के साथ उसको इतने दम से, मैंने इनको देखा है रात रात में 3 बजे की प्रैक्टिस का टाइम होता था, सुबह 9 बजे तक, और ये बच्चे एशिया कप विनर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात आज तक के 25 साल का रिकॉर्ड है, स्केटिंग की टीम जितनी बार भी नेशनल इंटरनेशनल गई है नेशनल, आज तक कभी कोई ब्रॉन्ज मेडल नहीं आया सर, गोल्ड मेडल ही आया है। और जब ये बच्चे प्रैक्टिस कराते हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं नेशनल के वो जनवरी में आते हैं, और हमें ये पता होता है कि जब भी आएंगे ये गोल्ड मेडल के साथ आएंगे। नियर अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हर साल नेशनल पे जाते हैं रोलर स्केटिंग में, और 60 के 60 स्टूडेंट्स में से सीनियर टीम है, जूनियर टीम है, इन सब के गोल्ड होते हैं। जी मैडम, खेल से ही एक और चीज़ जो मेरा सवाल जो अगला है वो ये कि जिस तरीके से आप लोग खेल को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को जो आप लोग उत्साहित करते हैं, इसके अलावा आप लोग क्या फैसिलिटी देते हैं क्या, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के बच्चा इतने मेडल नहीं ला सकता, संस्था की सपोर्ट के बिना नहीं ला सकता, आप लोग क्या प्रैक्टिकली उनकी सपोर्ट क्या क्या करते हैं? सर बहुत जबरदस्त सपोर्ट है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से प्लेयर्स को, जो बच्चा नेशनल प्लेयर है और उसकी कोई पोजीशन है इंटरनेशनल है, उसका सारा खर्चा स्कूल उठाता है। ओके। उसकी फीस भी 100% कंसेशन मिलता है जी। उसको हॉस्टल फीस में भी 100% कंसेशन मिलता है। जो बच्चे स्टेट में फर्स्ट आते हैं उनकी पोजीशन आती है तो उनको भी फीस में कंसेशन मिलता है। और इनकी जो डाइट प्लान है, डाइट चार्ट, और एक और बात बताते हैं कि सारे बच्चे जो हैं मतलब अच्छे घरों से हैं, तो गरीब जो परिवार है 300 बच्चे हम उनको भी पढ़ा रहे हैं जो बिल्कुल फुल फी कंसेशन पे है। कई बार वो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे सामने का केस है, तो पता चला जी 2 टाइम की रोटी ही बच्चे को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इसमें संस्था बहुत आगे है कि उसका जो खाना है हम हॉस्टल से फ्री करवा देते हैं बच्चे का, ताकि वो अपनी गेम्स को बहुत अच्छे से, जो भी गेम में हो वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो संस्था सिर्फ यही नहीं लेके चल रही कि अच्छे प्लेयर्स बनाने हैं, अच्छे संस्कार भी है ये स्कूल डाल रहा है बच्चों में। और जब बच्चों को दिखता है कि हमें इतनी फैसिलिटी स्कूल दे रहा है, तो ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी, अपनी गेम को एक तप मान लेते हैं, एक तपस्या मान लेते हैं, जिसको फिर वो जब खेलते हैं या जब मैदान में उतरते हैं तो शाह गर्ल्स के नाम से ये टीमें जानी जाती हैं। और CBSE में जितनी बार भी गई हैं तो एक परफॉर्मेंस में छूट गया था कि शाह गर्ल्स आ गई, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी हर गेम में जो गुरुजी ने एक साथ बच्चों का निभाया है, या मैं गुरुजी को ही क्रेडिट दूंगी कि गेम्स में जो भी बच्चों को बताते थे, तो जो सीनियर हैं आज हमारे वो जूनियर्स तैयार कर रहे हैं, पर सीनियर ही यहाँ के 15-15 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज कोच हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। जी जी, तो जी आपको, अब मैं स्कूल की तरफ आता हूँ। स्कूल में अगर मान लो खासतौर पर पेरेंट्स की बात करें, हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो जो बेटियों की सिक्योरिटी होती है उसे लेकर बड़ा कंसर्न रहता है। जी जी, तो हमारा जो स्कूल है वो, मैंने ये देखा, अभी मुझे बताया गया, स्टाफ ने बताया कि आपको इस जो है एरिया में अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। हाँ जी, स्कूल जो है अवार्ड जीत चुका है। इसके बारे में बताएं, और बेटियां सुरक्षित रहें उसके लिए माँ बाप का कंसर्न भी रहता है, तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम रखते हैं? इसमें जब ये स्कूल खुला, हॉस्टल खुला, तो ये जाना जाता है आज भी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हॉस्टल में कोई मोबाइल बच्चा यूज़ नहीं कर सकता। ओके। स्कूल कैंपस में कोई बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। बाहर भी स्कूल है, ऐसी बात नहीं। हमारे पास जो स्कूल है इसकी क्या खासियत है, मैं अपने स्कूल को एक संस्कारशाला के नाम से जानती हूँ कि जिसमें हम बच्चों में एक अच्छे संस्कार भरते हैं। फिर वही बात आ जाती है, किसने सिखाया? गुरुजी ने सिखाया। बेटियों को कहा जाता है जैसे ही आप क्लास में आते हैं आप अपने टीचर्स के पैरों को हाथ लगाएं, क्योंकि आपके गुरु हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात बाहर क्या हो रहा है, ये कम, हमने अंदर क्या सुधारने, क्या देना है, इंसानियत का पाठ सच्चे सौदे में पढ़ाया गया, तो हमारे स्कूल के बच्चे बहुत कुछ अलग करते हैं। मुझे आज तक याद है गुजरात में भूकंप आया, मेरे पास एक बच्चा है आज, कामना है, 6 दिन है सार, तो वो मेरे पास आ गई है 8,000 रुपये लेके कि मैडम हमने चैरिटी देनी है। तो वो पहली विद्यार्थी थी जो मेरे पास आई, तो उसके बाद यहाँ तो फिर वो रीति चल गई कि जब कोई भूकंप आया, भूचाल आया, तो बच्चों ने एकदम कंट्रीब्यूशन कर दी। और ये बच्चे कैसे अलग है, क्योंकि मैंने आपको
पहले बताया कि अपने आप में एक ऐसी संस्कारशाला है जहाँ पे बच्चों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। आपको ये भी बताया गया 300 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, जैसे हमारे किसी स्कूल में बच्चे का बर्थडे है तो बहुत सारे बच्चे पार्टी नहीं देते, सर्दियां हैं तो उन बच्चों को बुक्स ले देंगे जी। और ब्लेजर्स ले देंगे और बच्चा हम टूर पे जा रहे हैं, मान लो 10 नहीं जा सकते तो पता चलता है गरीब परिवारों से है तो उनकी टूर के पैसे भी बच्चे ले देंगे। शादी करनी है कोई गरीब आंटियां हैं जैसे यहाँ पे काम करती हैं पीएंस हैं, उनके किसी बच्चे की शादी है तो उसमें भी बच्चे कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी शादी करवाई जाती है। तो ये चीजें जो इंसानियत जिंदा रहे, पढ़ाई तो हर स्कूल करा के भेज देता है, ये चीजें जब मैं अपने बच्चों में देखती हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि मेरे गुरु जी की शिक्षाएं जो है इनमें पनप रही है, आ रही है और ये चीजें हम कभी नहीं भूलते। तो ये चीज़ें और रही रिजल्ट्स की बात, तो इसमें भी आपको बताया मैंने कि सुबह 4 बजे की क्लासेस है, हम अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाते हैं हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले जब हमारे एग्जाम आ जाते हैं। इससे बच्चे की माइंड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। रिसर्च कहती है कि बच्चा क्लास में जब अपनी टीचर से पढ़ता है तो वो बस 10 मिनट उसका ध्यान क्लास में रहता है, उसके बाद उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, क्लास के बाहर क्या है, आज घर में खाना क्या बना होगा, आज मैं मोबाइल पे जाकर क्या देखूंगा। पर यहाँ पे जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है इन शिक्षण संस्थानों में उसमें बच्चे का माइंड स्टेबल रहता है सर। और डिस्ट्रिक्ट टॉपर 2017 के बाद हमारे बच्चे हैं और कभी रेयर होता है कोई बच्चा फेल नहीं होता, नो कंपार्टमेंट्स। और बड़ी खुशी होती है कि आज ये स्कूल इस मुकाम पे पहुँच गया है कि मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एक परिवार की तरह मेरा स्टाफ है, पैसे का लालच नहीं है, जितना के काम करने की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है और हर कोई अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, कंसर्न है, चाहे वो सिलेबस है चाहे वो लेटेस्ट कुछ भी सीबीएसई की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है जी, जी। तो ये एक ऐसा परिवार के 25-25 साल से टीचर यहाँ पे लगे हुए हैं, 25 साल वाले 5 होंगे, 20 साल से जो काम कर रहे हैं वो 20 हैं जी। तो एक ऐसी फैमिली के हम इनसे कुछ नहीं छुपाते। जैसे कोरोना काल आया तो आपने देखा कि सैलरी का भी हॉट इशू रहा जी, जी। पर सबने इतना साथ दिया है कि सब इस चीज को समझते हैं। 2017 में भी आपने देखा जी, जी, जी। पर कोई एक सिंगल टीचर यहाँ से हटके नहीं गया, कोई बच्चा यहाँ से हटके नहीं गया, सबने उसको ज्वाइन करके रखा क्योंकि रिजल्ट्स। और सबसे बड़ी बात होती है आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका माहौल कैसा है, माहौल कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं, उनमें संस्कार कैसे हैं, क्योंकि जो भी जनरेशन बाहर पढ़ के समाज में काम कर रही है तो हमारे पास आता है कि वो शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं और वो इतना आगे हैं। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ की हमारे पास दिसंबर में वर्कशॉप्स लगनी शुरू हो जाती है, काउंसलिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी से लोग आने लगे हैं कि मैडम आपके बच्चों का रिकॉर्ड, आपके बच्चों का रिजल्ट ऐसा होता है जो हमें भी हिलाता है, इसलिए हम आपके स्कूल में आज पहुँच गए कि प्लस टू के बाद हम चाहते हैं आपके बच्चे हमारे कॉलेजेस में आए। तो ये फख्र की बात है और सारा क्रेडिट मैं अपने गुरु जी को देती हूँ। देखो आई वॉज ऑल्सो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके मैं यहाँ पर आ गई थी, उसके बाद मेरी जितनी भी स्टडीज इनकम्प्लीट रही वो मैंने यहाँ के पूरी की है और टाइम टू टाइम हम उनसे गाइडेंस लेते रहे हैं जहाँ भी हमें कोई समस्या आई है। तो ये उनका ही आशीर्वाद है कि जो शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है जी। आपने बहुत सी बातें जो है बताई हैं, मैं आंकड़ा भी जानना चाहूंगा कि मेरिटोरियस, क्योंकि खेलों की बात हो गई अब शिक्षा की बात करते हैं जी, जी जो मेरिटोरियस बच्चे हैं आपके वो कितने हैं, कोई काउंटिंग उनकी होगी 94 से लेकर अब तक, कोई ऐसी काउंटिंग हो, मोटा आंकड़ा कोई कि इतने बच्चे मेरिटोरियस हैं? मेरिटोरियस में तो सर हर क्लास का बच्चा ही हमारा 80% से नीचे तो किसी के मार्क्स ही नहीं आते जी। आज तक हम यहाँ 14-15 हज़ार बच्चे जो हैं यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। तो अगर आप 10th+2 की बात करें तो 5 हज़ार में से मुझे कहते कोई शंका नहीं होगी कि 4 हज़ार बच्चों की जो है मेरिट होगी। और हर बार पिताजी भी बच्चों को गोल्ड मेडल से सम्मानित करते थे, ट्रॉफी से सम्मानित करते थे और स्कूल को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं जी। 25 सालों में स्कूल को शायद 45 अवार्ड मिल चुके जी, हैं। एजुकेशनल वर्ल्ड मैगजीन है जिसमें 2012 से ही आज तक हमने अपना रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। हरियाणा का ये बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल है सर और ऑल ओवर इंडिया जब उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला है तो हमें 9th रैंक पे खड़ा करा है। सीबीएसई के स्कूल शायद 22,000 है जी, जी, इंडिया में ये 9th रैंक पे स्कूल आता है और हमें खुद भी ये भारत महिला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जी, जी, और अभी भी लास्ट ईयर रणजीत सिंह चौटाला जी ने हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सम्मानित किया है इस अवार्ड से कैबिनेट मिनिस्टर जी ने। कोई कोई ऐसी बात याद हो पूज्य गुरु जी ने, क्योंकि मेरे को ये ज़रूर मेरे को पता है कि बहुत सी जो है शिक्षाएं गुरु जी ने दी हैं, कोचिंग के टिप्स दिए हैं, जो मीडिया में भी रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको भी कही हो जो आपने, वो कहते हैं कि गांठ बांध ली और उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसी सबसे बड़ी बात थी कि
हम जब आए तो हमने बोला कि हम चाहते हैं कि जिस जोश के साथ हम आए हैं, क्योंकि दैट वाज अ वेरी यंग एज, कि जब हम आज भी किसी को बताते हैं कि 28 साल की उम्र में ही हमें शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया था, तो लोगों को विश्वास नहीं होता जी। क्योंकि ये बड़ी यंग एज होती है जिसमें इंसान सोचता है कि आई शुड बी प्ले आई, पर हमने भी कहा कि हमसे नहीं होगा, कहते बेटा हम जानते हैं कि आप इस काम को कर लोगे। और मैं कहा पिताजी फिर आप उतना जोश भर के रखना, तो कहते बेटा 3 गुना ज़्यादा जोश भर देंगे, आप करो तो सही। तो वो चीज़ मुझे आज तक नहीं भूलती, क्योंकि मेरा स्टाफ हम लोग सब जानते हैं कि मैं किसी भी काम को लेती हूँ तो बड़े पैशन से लेती हूँ। तो वो फिर मैं जब तक उसको पूरा नहीं कर लेती, और जब वो काम का रिजल्ट मेरे सामने आता है तो मुझे मेरे गुरुजी के वचन याद आते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि हम 3 गुना ज़्यादा आप में जोश भरेंगे। तो वो जोश आज भी बरकरार है और वो चल रहा है। उनकी तो हर बात हमें याद आती है, और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जो हम सबको कहते हैं कि 25 साल में हमारे गुरुजी ने हमसे 50 साल का काम लिया, क्योंकि गेम्स भी लेके चले, स्टडीज़ भी, अपना एजुकेशन भी लेके चले, मूवीज़ के सेट्स भी लेके चले। तो जब अपने अंदर इतने गुणों को देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हम सारा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये लेवल दिया जहाँ पे हम इतने बड़े काम कर सकें। और शत शत नमन है ऐसे गुरु को जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में एज अ प्रिंसिपल हैं। मैडम, चूंकि खुद आप एक महिला हैं और समाज में आपको पता है कि जिस तरीके से एक जो सोच है, वो जो मेंटालिटी है, उसको बदलने में बहुत कोशिश इस संस्था ने की है कि जो समानता, इक्वालिटी जो किताबों में थी, उसको ज़मीन पर भी लेके आई ये संस्था। आप चूंकि खुद महिला हैं और जो महिलाओं के उत्थान के लिए इस संस्था द्वारा, गुरु जी द्वारा जो काम किए गए हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? कोई शक नहीं कि तूफान आया है, और तूफान को हमने झेला भी है, और अगर छाया ही देखते रहते तो धूप का कैसे पता चलता जी। अगर धूप आई है तो समाना समाज गवाह है कि जो शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थान है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कैसे लोग यहाँ पे आए, हमने लोगों को बुलाया खुद यहाँ पे, हमारे सेंटर्स हुए एचटेट के, और भी कई सेंटर्स हमने बनवाए, और जब लोगों ने यहाँ का माहौल, यहाँ की जगह को देखा है तो बड़े हैरान हुए हैं उनकी हैरानी की। और जो महिला सोच बदली उनकी, जो बाहर जो बहुत एक, जी सर बहुत सोच बदली जी। लोग आए इस बात पे, क्योंकि अभी अभी इंटरनेशनल स्कूल में फंक्शन हुआ है जहाँ पे सभी आए, डीसी एसडीएम सभी आए हैं, और हैरान थे कि बच्चे वुमेन, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन बच्चों का नाम है। और इधर भी जब वो सुनते हैं कि इतने सारे बच्चों के जो अवार्ड्स हैं, और जो नारी के उत्थान के लिए काम सच्चे सौदे ने किए, जो हमारे गुरु जी ने किए, कोई भी संस्था नहीं कर सकती सर, इस लेवल पे नहीं कर सकती। कभी सुना है कि वैश्यों की शादी करवा दी जाए? उस तो इलाके में लोग डरते हैं। तो यहाँ तक पिताजी की कोशिश थी कि ऐसी कमेटियाँ बनाई गई थी कि उन लड़कियों को समझाया जाए और उनकी शादियाँ करवाई जाए, और कोई नंबर ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मानवता भलाई के कार्यों में किसी गरीब का मकान बनाना है, अगर आज हम सच्चे सौदे से रिकॉर्ड उठाएं, तो कोई संस्था ही नहीं है जिसने ऐसा कर रखा। आसपास नहीं, आसपास ब्लड डोनेशन कैंप ही ले लीजिए, लोग यहाँ को कहते जी पेट्रोल पंप जी जी जी, जी। तो जो काम गुरुजी ने मानवता भलाई के, इंसानियत के करे हैं, आज वो सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के मनों और दिलों में उतरे हुए हैं जी। तो बच्चा कुछ भी ऐसा नया काम, सिर्फ बच्चे नहीं टीचर्स भी करते हैं जी। तो जो सच्चे सौदे ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो महिलाओं के उत्थान के लिए गुरुजी ने किया, इस तूफान में भी सच्चे सौदे की जो चेयरपर्सन है, विपसना है, शोभा है, और भी बच्चियां हैं जो वहां पे बैठी हैं, कि वो हिले नहीं और उन्होंने डट के मुकाबला किया है जी, जी, जी। और इस सिस्टम को संभाला है, आज आप कह सकते हैं कि आज हम महिला सशक्तिकरण का अगर नमूना देखना है वो आप सच्चे यहाँ देख सकते हैं जी, जी, वो सच्चे सौदे में महिला सशक्तिकरण का नमूना है कि महिलाओं को ही ये संभालना पड़ा और महिलाओं ने ही इसको चला लिया और बचाया है बचाया। और मुझे बड़ा फख्र है, चलाया है, बचाया है, जो भी किया है। अगर गुरुजी ने हमारे अंदर ये चीज़ें ना भरी होती तो हम इसको कैसे कर पाते, कैसे कर? तो उनकी दया रहमत से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। वो बच्चे भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे विपसना चावला है, चाहे जो उनका काम है, जो उन्होंने सच्चे सौदे को 2017 में संभाला, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने पढ़ाया है और हमसे वो बच्चे मिलते रहते हैं जी, जी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कहीं का नमक खाया है तो हक अदा करें, उसका हक अदा करें जी जी। वापस स्कूल पे आते हैं बहन जी, और अंतिम सवाल है ये आपसे कि जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी बदल दी गई है, देश की नई पॉलिसी आ गई है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपने प्लान कर लिया है? और एक और इसके साथ एड ऑन कि आप हर साल
नया कुछ प्लान करते हैं, मुझे पता है ये स्कूल हर साल कुछ ना कुछ नया प्लान करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, इस बार के लिए क्या नया प्लान किया? सर इस बार के लिए जैसे नई पॉलिसी आ रही है तो वी आर हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे जैसे हमें CBSE की नॉर्म्स आते रहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे हैं कि स्किल एजुकेशन होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली हमने आपको पहले भी बताया था हम चलते रहते हैं। हमारे 25 बच्चे IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस टू के बाद वो इसको ज्वाइन कर चुके हैं और वो बच्चों का लगातार मेरे से संपर्क है और बड़ी जल्दी स्कूल के जो बच्चे हैं हमारे आज भी बच्चे IAS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मतलब हर फील्ड में टीचर्स हैं, सच्चे सौदे के प्लेटफॉर्म पे कितने बच्चे हैं, तो और सब कुछ जो भी बच्चा यहाँ से निकला है वो एक अच्छी पोस्ट पे है और हर साल बिल्कुल शक नहीं, क्योंकि जैसे हमें लगता है बच्चों की कन्वर्सेशन या वीक हो गई या कुछ है तो हम खुद क्लासेस लेते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग का बहुत अहम रोल है हमारे स्कूल में, हम हर बच्चों की क्लास में खुद ही लेती हूँ 500 की, जब मुझे लगता है सेशन एंड होने वाला है काउंसलिंग शुरू हो जाती है, वर्कशॉप शुरू हो जाती है, ताकि बच्चा जब प्लस टू के बाद बाहर निकले तो उसे फक्र होना चाहिए कि मेरी जो स्टडी है वो शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल से है और वो क्लियर रहे कि आगे क्या करना, क्लियर रहे, वो प्लस वन से शुरू हो जाती है काउंसलिंग्स। कई स्कूलों का हमने सुना आप अपने बच्चों को प्लस टू के बाद क्या करवाते, कहते ये हमें कोई लेना देना नहीं जी, वो प्लस टू के बाद कहाँ जा रहा है बस हमारा, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि हम अगर जुड़े हैं बच्चों से तो हमने उनका दूर तक फिक्र किया है कि ये आगे कुछ बनेंगे तो स्कूल का नाम ही होगा चाहे कुछ भी बनते हैं, तो बच्चे भी इस बात का शुक्रगुजार करते हैं। जो एनवायरनमेंट उनको शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा का मिलता है वो बाहर नहीं मिलता, पर इतना तैयार करके यहाँ से भेजा जाता है कि लड़की सबसे पहले करेक्टर वाइज स्ट्रांग हो, अपनी एजुकेशन उसे बिल्कुल क्लियर हो, अपना फ्यूचर उसे बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, ताकि वो जहाँ भी जाए तो फक्र से कह सके कि मैं शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल की बच्ची। जी जी, जाते जाते दर्शकों को ये भी कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि नया सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, तो दो लाइनें अभिभावकों को जो चाहते हैं कि उनकी बच्चियों के लिए अच्छा जो है। मेरा जी बस यही मैसेज है कि शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, और ताकि बड़े होकर वो बच्चियाँ आपका नाम रोशन कर सकें, और जितना हमसे बन सकेगा अच्छे से अच्छे संस्कार हम आपके बच्चों में डालेंगे और अच्छे से अच्छा हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि वो जब भी कुछ बने तो बड़े फख्र से कह सके कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। धन्यवाद जी।